आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी शेजवान सॉस और शेजवान चटनी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनती हैं और इनको आप 2-3 महीने तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना रेसिपी कैसी लगी। इसको बनाने के लिए लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैं 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। दो तरह की कश्मीरी लाल मिर्च आती है, एक तो ये प्लेन वाली आती है, एक रिंकल्स वाली आती है। रिंकल्स वाली थोड़ी कम तीखी होती है, इसमें थोड़ा तीखापन ज़्यादा होता है, तो इसमें से मैं बीज निकाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इस चटनी को बीज के साथ भी बना सकते हैं। सारे बीज निकालने के बाद इन मिर्चों को मैं डाल रही हूँ एक बाउल में और ऊपर से डालेंगे उबलता हुआ पानी और इसको फिर 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे ताकि जो मिर्चें हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखिए मिर्चें काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, फिर इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल देंगे ताकि इसका कलर एज इट इज़ बना रहे और फिर इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका। ये देखिए मैंने इसको हल्का दरदरा पीस लिया है। अब इसके लिए हम तड़का रेडी करेंगे। एक पैन ले रही हूँ, इसमें डालेंगे 1/4 कप तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है तभी यह अचार काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता। अब इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 या 2 मिनट ही पकाना है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। आप अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप धनिया की स्टेम्स जिनको मैंने बारीक कट किया है। इसको भी 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और जब मिर्च डाल देंगे फिर लो फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, तभी यह अचार ख़राब नहीं होता। 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसका तेल अलग हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी जिसको हम एक बार उबलने देंगे, फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप 1 चम्मच सिरका डाल दें। सिट्रिक एसिड को कुछ लोग नींबू का फूल भी बोलते हैं, इससे ये चटनी काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी जिससे कि इसकी खटास बैलेंस हो जाएगी और 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। पूरी चटनी बनने के बाद एक बार नमक फिर से टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो और डाल दें। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी है और 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे सोया सॉस। अभी ये काफ़ी पतली लग रही है, अगर आप इसको मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 2 चम्मच मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और इसकी स्लरी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा हो जाएगा। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो भी इसका टेस्ट वैसा ही रहेगा, थोड़ी पतली रहेगी। ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसी शेजवान चटनी बनकर रेडी है। आप एक बार बनाकर देखें तो आप कभी भी मार्केट से शेजवान चटनी नहीं लाएंगे। आप इसको ठंडा करके कांच के जार में भरकर फ्रिज में रख दें, 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ऐसी ही और मार्केट स्टाइल रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे फॉलो करें। अब शेजवान सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसके बीज निकाल दिए हैं और फिर इसको 1/2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखेंगे। फिर इसको डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। 1 पीस इसमें डाल देंगे अदरक का, 1/2 कप इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, 1/4 कप इसमें डालेंगे धनिया की स्टेम्स और इसको फिर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे तभी ये बिल्कुल सॉस जैसा लगेगा। ये देखिए मैंने फाइन पेस्ट इसका बना लिया है। अब पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और ये पेस्ट इसमें डाल देंगे और ग्राइंडिंग जार में थोड़ा पानी डाल के भी इसमें डालेंगे और अब इस पेस्ट को 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। अच्छी तरह इसको पकाएंगे तभी ये सॉस ख़राब नहीं होएगी। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। सॉस बनने के बाद एक बार टेस्ट कर लें, अगर आपको चीनी थोड़ी और चाहिए तो आप थोड़ी सी और डाल लें। 1/4 टीस्पून इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे। सिट्रिक एसिड की जगह आप इसमें 1/2 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको बहुत अच्छे से अब लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर हो गया इसका पकने के बाद। अब बिल्कुल मार्केट जैसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, 2 बड़े चम्मच इसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए
और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आप इकट्ठा डाल देंगे, कई बार एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और लम्स बन जाते हैं। अब फिर से इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, अगर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे। मेरी शेजवान सॉस और चटनी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट बनता है। अब इसमें 1/2 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे टमाटो सॉस और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। ऐसी ही और मार्केट स्टाइल रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब इसको ठंडा करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर दें और फ्रिज में रख दें। ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती क्योंकि सिट्रिक एसिड डाला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।